Strategists are always trying to fit in. When they consume my head, I hate this feeling. I wanna be a paragon. Guys, guess what? I'm so excited. हम लोग जा रहे हैं एनिमल मूवी देखने के लिए सिनेपोलिस. त्रिशा कम है बापू. तो हम लोग एनिमल मूवी देखने जा रहे हैं सिनेपोलिस और बहुत ही लेट शो है. 11:20 का है. 3 घंटे की मूवी है. रिव्यूज तो अच्छे हैं. बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ने देख लिया. तो मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. मैंने सुना है वॉलेंट मूवी है एंड हाँ, ये साल की आखिरी मूवी है और उम्मीद करती हूँ कि ये अच्छी हो. और त्रिशा कम यार, से हाई टू एवरी वन. और हमने सोचा है कि त्रिशा को थोड़ा गेम वेम खिलाएंगे और वो गुस्सा हो चुकी है बहुत बुरी तरीके से मुझसे. त्रिशा वाय. तो हमने सोचा है कि त्रिशा को गेम वेम भी खिलाएंगे और 1 घंटे पहले जा रहे हैं तो वो पहले उसको 1 घंटे गेम खिलाएंगे. फिर उसके बाद 1 घंटे से ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा. 11:20 की मूवी है, 3 घंटे लगेंगे और बस. सो गाइज, यहाँ पर मैं प्रिपेयर कर रही हूँ हाई टी एंड हाई टी इज इनकम्प्लीट विदाउट स्नैक्स. सो थोड़ी बहुत भूख लगी थी तो इसलिए मैंने स्नैक्स बना लिए. और ये मकिन्स का नया पैकेट आया था तो वो मैंने ओपन करा. और मीनवाइल जब मैं स्नैक्स बना रही थी तो त्रिशा सो रही थी. और ये जो नया पैकेट है इसमें स्माइली है, आलू बाइट्स हैं और फ्रेंच फ्राइज है. तो ये पैकेट जो है मुझे काफ़ी अच्छा लगा. मतलब 3-3 ऑप्शंस इसमें आपको मिल जाएंगे खाने के लिए. टिकट्स जो है वो पहले ही बुक कर ली थी और अभी जस्ट शाम का नाश्ता कर रहे, फिर उसके बाद रेडी. सो गाइज, ये प्रिपेयर हो गया हाई टी 2 कप चाय और थोड़े बहुत स्नैक्स के साथ. ऑल राइट गाइज, सो आई एम लुकिंग लाइक अ मैक्स राइट नाउ. और अभी मैं फिलहाल मुझे ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं. एंड यू ऑल नो शाम की चाय कितनी इम्पॉर्टेंट है और गोल्डन पीरियड है ये अभी समय, सेकेंड ट्राइमेस्टर. और त्रिशा जो है यहाँ पर सो रही है. चलो फटाफट मैं रेडी हो जाती हूँ. तो सबसे पहले मैं ये अगारो के स्ट्रेटनर से, इसका लिंक आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. बहुत ही सही स्ट्रेटनर है, इससे मैं अपने बाल स्ट्रेट कर लेती हूँ. मैं अपने बाल इतने फ्रीक्वेंटली स्ट्रेट नहीं करती हूँ, कभी कभार जब मूड होता है तो कर लेती हूँ. और वैसे मैं हर समय स्ट्रेट नहीं करती हूँ क्योंकि बहुत मेहनत का काम होता है. और इस स्ट्रेटनर के साथ ग्लव्स भी मिलता है. और ये कोई पेड वीडियो नहीं है, ये मैं ऐसे ही आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ प्रोडक्ट की. ठीक है, तो फिर मेकअप कर लेती हूँ मैं. गाइस, अभी पता है क्या हुआ है, मैं चपाती बना रही थी ना तो मेरी मिक्सी जो है मैंने भी ट्राई करके देखी तो वो चल नहीं रही है बहुत ही ज़्यादा. मतलब एकदम अलग अलग स्विच में भी ट्राई करके देख रही है लेकिन वो चल नहीं रही है. अब मेरे को टेंशन हो रही है कि मैं क्योंकि त्रिशा जो है रोटी ऐसे पीसेस में नहीं खाती है, उसको पीस के दूध के साथ मिला के खिलाऊँ तो खाती है. ऑल दो वो वैसे अपनी पसंद की चीज़ें वो खा लेती है, रोटी वो ऐसे ही खाती है. तो अभी मुझे टेंशन हो रही है. आई थिंक मैं कद्दूकस करूँगी, बहुत मेहनत लगेगी लेकिन हाँ, कद्दूकस करके उसको रोटी डाल के दूँगी. सो अभी त्रिशा सो रही है तो मैं सोच रही हूँ फटाफट जल्दी से मेकअप करके तैयार हो जाऊँ क्योंकि उसके जगने के बाद फिर नहीं कर पाती. मतलब मैं मेकअप करती हूँ तो उसे पता नहीं क्या होता है, वो उसे अच्छा नहीं लगता. वो फिर मेरे से, वैसे तो अब पापा होंगे, मैं होंगी तो अपने पापा के पास भागेगी, मेरे पास नहीं आएगी. लेकिन अगर मैं मेकअप कर रही हूँ तो फिर अपने पापा के पास नहीं जाएगी, मेरे पास आएगी मेकअप करते हुए देख के. पता नहीं क्या होता है उसको. ऐसे जब खाना बना रही होती हूँ तब भी वो मेरे पास आएगी. और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ शुगर कंसीलर. ये बिल्कुल एग्जैक्ट मेरे शेड से मैच करता है. 10 लाटे फाउंडेशन मैंने लगाया है और जो ये कंसीलर है ये एकदम मेरे शेड से मैच करता है. ये उससे आई थिंक वेनिला इसका नाम है, मैं लिंक में दे दूंगी. और यहाँ पे मैं ममअर्थ की लिपस्टिक लगा रही हूँ और मैं ये वाला मेथड हमेशा अप्लाई करती हूँ जब भी मुझे ब्लश लगाना हो. और कंटूरिंग तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी क्योंकि कोई शादी थोड़ी है नहीं. अब मैं पाउडर से सारा मेकअप सेट कर दूँगी और फिर उसके बाद लिपस्टिक लगाऊंगी. तो जो ये लिपस्टिक लगा रही हूँ मैं महर शेड लगा रही हूँ मैक का. और ये मैंने ज्योति सेठी है, उनका चैनल है, तो उनके रिकमेंडेशन पे लगाया था. मतलब उन्होंने बताया था कि बहुत अच्छा शेड है तो तब मैंने मंगाया था. एंड इससे याद आया कि उनके हस्बैंड भी, जो मैं मूवी देखने जा रही हूँ एनिमल, उसमें उनके हस्बैंड का भी रोल है. और हाँ, उनके हस्बैंड का भी रोल है. मतलब वो तो आपको मूवी देख के पता चलेगा कि क्या रोल है. और काफ़ी अच्छी एक्टिंग करी है उन्होंने. और जो गाइस सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है ना, सच में गोल्डन पीरियड होता है प्रेगनेंसी का. मतलब आपको इतनी बढ़िया बढ़िया क्रेविंग होती है और अलग अलग अच्छा अच्छा खाना खाने का मन करता है. और सारी भी दिक्कतें जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की होती हैं, जैसे उल्टी, चक्कर आना, ये सब गायब हो चुकी होती है. तो मैं तो कहूँगी गोल्डन पीरियड है. तो अब मैं यहाँ पर तैयार हो जाती हूँ. तो ये मैंने लक्षिता की ड्रेस पहनी है. एक्चुअली मैंने बहुत पहले ली थी, मतलब जब मैं जॉब करती थी ना तब उस समय ली थी मैंने. और ये जॉकी का लोअर और वो पहन रही हूँ अंदर क्योंकि बहुत ठंड है. तो इनर पहन रही हूँ जॉकी का, फिर थोड़ा सा दोबारा से कॉम कर लेती हूँ क्योंकि थोड़े से बाल इधर उधर हो गए थे. तो पूरा कॉम कर लेती हूँ.
और गाइस लक्षिता के कपड़े ना सच में बहुत ही अच्छे होते हैं। हाँ थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं बट काफ़ी सही होते हैं, उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। और फिर उसके बाद मैं ये ब्लेज़र पहन लूँगी, ये भी पता नहीं, ये भी बहुत पहले का ही ब्लेज़र है, पता नहीं कब लिया था, लेकिन इसका जो है क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और मतलब काफ़ी। और अब मैं पहन लेती हूँ अपने नाइकी के शूज़, ये अभी अभी मैंने रिसेंटली परचेज़ करे हैं अमेज़ॉन से, तो इसका जो लिंक है आपको दे दूँगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बहुत ही सही शूज़ हैं। और इससे इसके अलावा भी एक था, वो भी अच्छा था, लेकिन ये वाला सबसे बेस्ट है। ठीक है, साइड से इसका लुक काफ़ी अच्छा आता है। और अब यहाँ पर मैं त्रिशा को तैयार कर देती हूँ। ऑल राइट गाइज, तो ये हो गए हैं हम तैयार और अब हम फटाफट निकलते हैं मूवी के लिए, क्योंकि हम फिर लेट हो जाएंगे। तो जब हम मूवी के लिए जा रहे थे तो रास्ते में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, फिर हम लोग पेट्रोल पंप पे गए क्योंकि पेट्रोल भी ख़त्म हो चुका था, तो वो लगाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि लेट नाइट पेट्रोल नहीं मिलता। तो यहाँ पर मैं और त्रिशा फन कर रहे हैं। ऑल राइट गाइस, तो हम लोग पहुंच चुके हैं WTP। तो हम बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच गए थे और काफ़ी ज़्यादा टाइम था, त्रिशा को फ़न भी कराने के लिए लेके जाना था। तो यहीं पे ही WTP के अंदर ही ये नीचे बच्चों का है, मतलब बच्चों का भी है, इसमें बहुत सारे गेम्स होते हैं, हम लोग भी खेल सकते हैं और बच्चे भी खेल सकते हैं। तो ये यहाँ पर सबसे पहले जाकर लाइट को देख कर इसको बहुत मज़ा आया और फिर इसने जो इन्जॉय करना स्टार्ट करा, फिर उसके बाद फिर जब ये एक बार अटक जाती है तो फिर आती नहीं है वापस। तो जब त्रिशा का बर्थडे था तब भी हम उसको यहाँ पे लेके आए थे और तब तो हम आधा घंटा रुके थे, लेकिन अभी जो है 15 मिनट्स का ही करवाया था क्योंकि फिर हमें जाना भी था, खाना वाना भी खाना था, अदरवाइज़ फिर खाना के भी बंद हो जाता क्योंकि लेट नाइट शो था ना। फिर जहाँ पर हमने त्रिशा को प्ले करवाया था वहाँ से आकर हम लोग ऊपर बैठ के फूड कोर्ट में हम लोगों ने छोले भटूरे खाए, क्योंकि फिर उसके बाद मूवी के टाइम पॉपकॉर्न भी ऑर्डर करे थे तो फिर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता, लेकिन पॉपकॉर्न की भी एक अलग कहानी है, वो मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ से हमारी हो रही है एंट्री और हम लोग काफ़ी पहले पहुँच गए थे, हमें वहाँ जाकर भी 15 से 20 मिनट वेट करना पड़ा था। और आप देख रहे हो रात का शो है 11:30 का और तब भी इतनी भीड़ है, और ये हमने पॉपकॉर्न और पूरा मील ऑर्डर करा था। और यहाँ पर त्रिशा को भी नींद जैसी आने लगे, लेकिन ये सोई नहीं थी वहाँ मूवी में, थोड़ी बहुत देर सोई थी, फिर इसके बाद इसको बड़ा एक्साइटमेंट हो रखा है और कितनी क्यूट लग रही है। तो गाइज़ ये जो अभी मैं पॉपकॉर्न लेके जा रही हूँ ना, तो ये पॉपकॉर्न खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मुझे पता नहीं क्यों चीज़ पॉपकॉर्न अच्छे नहीं लगते, बटर वाले अच्छे लगते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा ही खाया था, फिर ये पूरा आधा डब्बा बच गया था, फिर हम लोग घर में लेके आए थे। ऑलराइट गाइस, सो मूवी खत्म हो चुकी है और टाइम हो चुका है 3:30, मुझे बहुत ही नींद आ रही है, मैं घर जाके सोऊंगी और मैं थक चुकी हूँ, है ना। और ये लोग भी थक चुके हैं। पूरी पिक्चर में बॉबी देओल के सिर्फ दो ही सीन थे, एक तो सॉन्ग में आया था और एक एक्शन सीन था जो बाद में रणवीर कपूर के साथ था, और तो कुछ था नहीं, बॉबी देओल का कुछ ज़्यादा सीन नहीं था, लेकिन हाँ जो जितना था वो बढ़िया सीन था, देख के आ सकते हैं, बढ़िया। हे गाइस, व्हाट्स अप। सो
गेस वॉट, आई एम 18 वीक्स प्रेगनेंट। एंड अगर मैं बेबी के हाइट के बारे में बात करूँ तो वो हो चुकी है 5.5 इंचेस, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो चुका है। और अगर मैं उसके वेट के बारे में बात करूँ तो 179 ग्राम्स उसका वेट हो चुका है, वो भी अप्रॉक्स, नॉट एग्जैक्टली। एंड जितनी भी ये इन्फॉर्मेशन है मैंने बेबी सेंटर ऐप से लिया है, मैंने कई बार अपने वीडियोज़ में बोला है। एंड एक चीज़ मुझे आप लोग के साथ दिखानी थी, वो ये है कि मैंने दिशा के लिए कैम्ब्रिज नर्सरी का कोर्स मंगाया है, या इसके साथ सर्टिफिकेट आता है, फ्लैश कार्ड आते हैं, पेरेंट गाइड आती है, और नर्सरी का कोर्स है। और अभी मैं ऐसे ही ओरली उसको करवाऊंगी, देखते हैं कितना कर पाएगी, और कलरिंग एक्टिविटीज़ ये करवाऊंगी। अराउंड 1 to 2 मंथ इसको यूज़ करने के बाद फिर मैं बताऊंगी कि क्या इम्प्रूवमेंट है। एंड ये तो हो गई अपडेट, मतलब 18 वीक्स में, मतलब आज है वेडनसडे और मैं फटाफट से ही रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि ये वाली अपडेट भी मुझे देनी थी। एंड एक चीज़ और, सारी चीज़ें बेबी की आइज़ नोज़ अब अल्ट्रासाउंड में दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। ऑल दो मैंने अभी अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया, वो मेरा 13 तारीख को है, फिर उसके बाद उसमें देखूंगी, मतलब 1-2 दिन लगते हैं अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आने में। और अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मेरे जो है क्या सिम्टम्स हैं, मुझे रात को बहुत ही ज़्यादा लेग्स पेन आता है, मतलब लेग में बहुत ज़्यादा पेन होता है। और कल तो, मतलब ट्यूसडे को तो ऐसा हो गया था कि मैं चल भी नहीं पा रही थी, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए था, फिर मैं फटाफट से बेड पर लेट गई थी। और एक चीज़ और, मुझे ना रात को नींद आना बंद हो गई है मतलब ऐसे अचानक से बहुत ज़्यादा नींद आएगी और फिर मेरे को रात को नींद नहीं आएगी, तो इस चीज़ से मैं काफ़ी परेशान हूँ कि मुझे लेट नाइट तक नींद नहीं आती है और फिर मैं उसके बाद दिन में नींद को पूरा करती हूँ। तो ये चीज़ मुझे ख़त्म करनी पड़ेगी क्योंकि मेरी हेल्थ के लिए सही नहीं है। और फूड के क्रेविंग्स और अपने हंगर के बारे में बात करूँ तो मुझे बहुत भूख लगने लग गई है। और या ये अच्छा भी है बेबी के लिए, मतलब इस मंथ आप कितना भी खा सकते हो लेकिन नेक्स्ट मंथ से आपको अपनी डाइट पे पूरा ध्यान देना होगा क्योंकि वो सबसे, नेक्स्ट मंथ नहीं, नेक्स्ट ट्राइमेस्टर से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है। तो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लैबरिंग हो गई है, सो मैं ये वीडियो को एंड करती हूँ। एंड आई होप मेरा जो व्लॉग है आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो यू नो द ड्रिल, यू हैव टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। बाय बाय। Thank you.